हाय फ्रेंड्स, आराध्या की रसोई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आई हूँ पंजाबी स्टाइल राजमा की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बगल में लगी बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने ये 2 कप राजमा लिया है, ये भीगने के बाद 2 कप है। मैंने इसको रात भर के लिए भीगने के लिए रख दिया था। तो सबसे पहले हम राजमा उबाल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर ले लिया है और मैं इसमें राजमा डाल दूँगी अपने, और साथ ही मैं इसमें पानी डालूँगी। तो 2 कप मैं यहाँ पर पानी डालूँगी इसमें, और अब मैं इसमें डालूँगी 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून या फिर स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से नमक इसमें डाल सकते हैं। और ये मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का, छोटा सा जावित्री और 2 बड़ी इलायची और 1 चक्री फूल डाला है, और ज़रा सा मैंने हल्दी पाउडर इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है 1 चम्मच, छोटी चम्मच से। तो अभी इसको हम उबाल देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसको उबाल दिया है, चलिए खोल के इसको चेक करते हैं। तो देखिए राजमा हमारे एकदम बढ़िया से गल गए हैं, ये देखिए एकदम अच्छे से गल गए हैं। तो चलिए अब हम इनको बना लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच तेल, और मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, इसको थोड़ा सा पकने देंगे। और ये मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही लंबा लंबा काट लिया है, मोटा मोटा ही काटा है। तो इसको हमने हल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा एकदम गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये प्याज फ्राई हो गया है। अभी इसमें मैं ये डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने। तो इसको भी 2-3 मिनट के लिए हम भून लेंगे, लहसुन अदरक का कच्चापन निकाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं और इसको भी हम पका लेंगे। पहले इसमें हम नमक डाल देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, तो नमक हम सब जगह हिसाब से ही डालेंगे, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला है फिर, तो उसी हिसाब से हम नमक डालेंगे। तो ढक्कन बंद करके टमाटर गलने तक पका लेते हैं। तो ये देखिए ये पक चुका है, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। तो इसको अब हम ठंडा करके पीस लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए मैंने इसको पीस लिया है और ये मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी 3 चम्मच, बड़े चम्मच से मैंने डाला है सरसों का तेल। तो मैं इसको सरसों तेल में बना रही हूँ, आप जिसमें चाहें उसमें बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाला है साबुत जीरा, 2 तेज़पत्ता, ये फ्रेश तेज़पत्ता है, आपके पास जो है आप वो डालिए, और 1 टेबल स्पून मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम कम रखना है, और ये मैंने साथ में जो प्योरी बना के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। तो इसको बढ़िया से हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा ये मिक्सी के जार में ही थोड़ा सा पानी डाल के, उसमें काफ़ी प्योरी थी तो मैंने ये डाल दिया है। तो अभी ये देखिए कितना ज़्यादा इसका ये प्योरी है, कितनी ग्रेवी इसकी बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन ये पकते पकते अभी बहुत ही कम हो जाएगी। तो ये देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो यहाँ पे हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दी है, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच डाला है, आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ मैं 2 चम्मच टीस्पून से धनिया पाउडर डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर डाला है, नमक मैंने डाल दिया, नमक अपने हिसाब से डालिए क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है तो इसलिए नमक हिसाब से ही डालना है। तो अभी इसको हम पकाएंगे एकदम बढ़िया से, और ढक्कन बंद करके ही इसको पकाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत छींटे इसमें से उड़ते हैं। और हाई फ्लेम पे ही मैंने इसको पकाया है, अभी तक मैंने इसको हाई फ्लेम पे पकाया है, और देखिए ग्रेवी काफ़ी कम हो गई है। लेकिन अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको भून लूँगी बढ़िया से, जब तक कि एकदम अच्छे से ये तेल नहीं छोड़ने लग जाए। अभी तक मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाया है, देखिए काफ़ी कम हो गई है ना, अभी ग्रेवी इतना ज़्यादा था, मसाला एकदम कम हो गया है। तो अभी और हम इसको पकाएंगे।
तो मैं ढक्कन बंद कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने इसको फिर 5 मिनट के लिए पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पे, और मसाला बढ़िया से भुन गया है, काफ़ी अच्छे से तेल छोड़ रहा है। तो ये मसाला हमारा फ्राई हो गया है बढ़िया से। अभी हम इसमें डालेंगे राजमा। तो राजमा से मैंने पानी अभी निकाल दिया है, तो थोड़ी देर में इसको पहले मसालों के साथ राजमा को अच्छे से थोड़ी देर 5 मिनट के लिए भून लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं वही पानी इसमें डाल दूँगी। अच्छे से पहले इसको मिक्स कर देंगे। तो ढक्कन बंद करके मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए पका लिया है, और ये बढ़िया से मेरे भुन गए हैं, मसाला अच्छे से इसमें लिपट गया है। अभी इसमें जो राजमा वाला पानी था वही पानी मैं इसमें डाल दूंगी। तो ये पानी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया है 1 चम्मच। अब इसको एक उबाल आने तक उबाल लेंगे हम 5 मिनट के लिए। तो ये देखिए बढ़िया से उबल गया है राजमा हमारा, एकदम तैयार है। और अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप यहाँ पे हरा धनिया डाल दीजिए। अभी मेरे पास नहीं है तो मैंने अभी नहीं डाला है। और बहुत ही बढ़िया, बहुत टेस्टी राजमा बने हैं। आप लोग ये रेसिपी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।